इसमें यहाँ दिया हुआ है सेल्स, तो सेल को मिटाना, रो कॉलम को मिटाना, यहाँ दिया है सेल डालना, तो सेल डाल के देखते हैं। यहाँ पे बढ़ गया, यदि हमें डिलीट करना है तो डिलीट सेल कर देंगे, मिट गया। वैसे ही रो, यहाँ पे रो आ गया ये वाला, इसको डिलीट करना है तो डिलीट रो। कॉलम चाहिए यहाँ, तो इंसर्ट कॉलम कर देंगे, एक आ गया। वैसे ही डिलीट करना हो तो डिलीट कर देंगे, वैसे ही ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी करना है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पूरी सीट यहाँ डालनी हो, जैसे यहाँ सीट है, तो यदि हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो एक पूरी सीट आ गई। इसको चाहें तो खिसका के दाएं बाएं कर सकते हैं। वैसे ही इस सीट को मिटाना हो तो डिलीट में जाके सीट पे क्लिक कर देंगे, ये मिट गया, फिर पहले पे चले आया। 25, तो काफ़ी फैल गया। वैसे ही ऑटो फिट कर देंगे तो फिट हो गया कम जगह में। कॉलम विड्थ बढ़ाना है, 21 है, 30 कर देंगे, बढ़ गया। यदि ऑटो फिट कर देंगे तो फिट हो गया। इस तरह से डिफ़ॉल्ट दिया है कि कितना होता है इसका विड्थ। अब यहाँ पे है विजिबिलिटी, दिखाई देगा या नहीं, हम चाहते हैं कि ये रहे लेकिन छिप जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, हाइड रो। इसके लिए हमें ऐसे चुनना पड़ता, जैसे इतने को छिपाना है तो हम यहाँ पे हाइड रो कर दिए, उतना छिप गया। फिर अनहाइड रो कर देंगे, आ गया। वैसे ही कॉलम को छिपाना है तो हाइड कॉलम कर देंगे, और फिर वापस लाना है तो अनहाइड कॉलम कर देंगे। वैसे ही पूरी सीट को भी हाइड कर सकते हैं, जो ये सीट है, ताकि दूसरे ना देखें। यहाँ सीट का नाम बदल सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसको कहीं और पे, इंड में कॉपी करना हो इसी का एक और प्रति, तो बन गया एक और सीट, यहाँ भी और यहाँ भी। टैब का कलर बदलना है, ये बदल गया यहाँ। प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्ट करना हो ताकि दूसरे लोग इसमें कोई परिवर्तन नहीं करें। यदि हम लिखेंगे तो ये कह रहा है कि द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयर फॉर इट ओनली। ये जो सेल या चार्ट है, इसे जो आप बदलना चाहते हैं, तो ये प्रोटेक्टेड है, मतलब रक्षित, इसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते क्योंकि ये रीड ओनली है, केवल पढ़ने के लिए आप देखें लेकिन बदलाव ना करें। तो इसको करने के लिए फिर पहले जैसा करना पड़ेगा। अब आप आराम से लिख सकते हैं इसमें, तो हमने ये कर ली, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। इसके बाद है यहाँ जोड़ना है ये, और इंटर दबा दिए, तो ये जोड़ दिया। बराबर सम यहाँ लिख दिया, और इसके बाद इसमें यदि हम इसका एवरेज निकालना चाहते हैं, औसत निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से एवरेज कर देंगे। यदि हम इसे काउंट करना चाहते हैं, गिनना चाहते हैं, तो काउंट कर लेंगे कितनी संख्याएं हैं, क्या है। मैक्स, मैक्सिमम, इसमें सबसे बड़ा कौन है, मिनिमम सबसे छोटा कौन है, तो ये सारी चीज़ें हमें बाद में पढ़नी है आगे फार्मूलाज के अंदर, तो इसे बाद में हम देखेंगे। इसके बाद है फील, तो आप इसका यूज कैसे करेंगे।
जैसे मान लीजिए कि आपको दो का टेबल चाहिए, तो आपने दो लिखा लेकिन इसको आप पूरा करना चाहते हैं, सीरीज में गए, दो से शुरू हुआ 20 तक ख़त्म होना चाहिए और ये ओके कर दिए, तो इसने ये पूरा कर लिया। वैसे ही तीन का चाहिए तो तीन और छः लिखे, डबल क्लिक किए, ये हो गया। इसको पकड़ के ऐसे खींचिए, ये पूरा का पूरा टेबल हमारा आ गया। तो ये सारे काम हम इस तरह से कर सकते हैं। अब ये है कि यदि यहाँ पे हमने जोड़ दिया, ठीक है, और ऐसा ही प्रभाव हम इस पे भी लागू करना चाहते हैं तो राइट कर देंगे, ये अपने से जोड़ देगा, और यदि ऐसे खींच दिए तो ये पूरा का पूरा जोड़ दिया, राइट हो गया। तो हमने चुन लिया है सबको और राइट कर दिए, तो सही काम कर रहा है। ये मान को चुनने के बाद हमें इसको सेलेक्ट करना है तो ये काम करेगा। सीरीज में हमने देखा लीनियर है, ग्रोथ है, बढ़ते क्रम में, डेट है, यदि हम डेट देना चाहें, ऑटो फिल है, तो इसमें कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें डेट 1/7/2017 हमने यहाँ तक कर लिया, तो ये बढ़ते क्रम में है, 1 तारीख 2 तारीख ऐसे करके। यदि हम इसमें जाएं फिल में, सीरीज में, और हमें सप्ताह के हिसाब से करना हो या मंथ के हिसाब से, तो मंथ के हिसाब से हम इसे बदल सकते हैं। इसी तरह से रो के साथ करना हो तो रो पे वर्क करेगा। तो एक्चुअली रो हमने चुना नहीं है, ऐसे डेट डे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कर लिया, तो वैसे कर लिए। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो हमें करना है वो हम कर सकते हैं, जो जो भी यहाँ दिख रहा है आल हट गया। अब यदि हम सजावट कर रखे हैं इसमें तो सजावट हटा देगा, ये कंटेंट हटा देगा, टिप्पणी हटा देगा, हाइपरलिंक हटा देगा, जो जो हटाना हो यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पे सीरियल लिख देते हैं, डेट हो गया, ये हो गया, इतने को ही करते हैं। सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही क्रम में, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है। कस्टम इच्छा अनुसार हो गया, हमको डेट के हिसाब से करना है तो डेट आ जाएगा, और यदि एक से अधिक डालना हो, जैसे डेट से डालना हो फिर हमको सीरियल से डालना हो, तो उसके हिसाब से हो गया, या पहले हमें सीरियल से फिर डेट से। तो इस तरह से 0 2 4 6 1 5 8 ऐसे कर दिया, तो जो भी हम प्रभाव यहाँ डालेंगे वो यहाँ कर लेगा वो। इसके बाद फिल्टर है, कोई विशेष डेटा देखना है तो आराम से देख लेंगे, इसको हटा दिए, 8 और 14 देखना है तो 8 और 14 का दिखा दिया, फिर इसको हटा दिए यहाँ से, क्लियर कर दिए, तो हमारे ये ऑप्शन भी हो गया ना। इसके बाद है फाइंड एंड सेलेक्ट करना। फाइंड करना, कोई शब्द खोजना हो, जैसे यहाँ पे 4 लिख दिए, फाइंड कर लिए, तो जहाँ जहाँ है 4 वहाँ वहाँ सर्च कर रहा है, 3 जगह 4 के बदले 9 करना है। रिप्लेस करेंगे तो 1 बदलेगा, ऑल करेंगे तो सभी बदल जाएगा,
तो इस तरह से फाइंड और रिप्लेस कर लेंगे। गो टू कहाँ पे जाना है, टेबल 13 पे जाना हो, टेबल 1 पे जाना हो, तो इस तरह से हम चले जा सकते हैं। गो टू सीट, यहाँ स्पेशल कहाँ जाना है, फार्मूले पे जाना है, यहाँ फार्मूला यदि होगा तो वहाँ चला जाएगा, यहाँ फार्मूला लगा हुआ है चला गया। कमेंट पे जाना हो, जहाँ भी जाना हो जा सकते हैं, ये सब आगे पढ़ना है, डाटा वैलिडेशन। तो इस तरह से हमने इन सभी को कर लिया। स्पेशल में है, फार्मूला है, ब्लैंक है, ऑब्जेक्ट है, कहाँ जाना है, किस पे करना है, ब्लैंक पे, तो ब्लैंक जो होगा वो दिखा देगा। तो इस तरह से हमारा होम